जी हाँ, मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ बाल ओम्ब्रे कराना मतलब घर में घुसने का लाइसेंस कैंसिल कराना। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पुरानी टी शर्ट का ना पोचा बन जाता है और बॉर्नविटा का डब्बा खत्म हो जाए तो वो दाले रखने के काम आता है। जहाँ कबाड़ वाले का इंतजार किया जाता है, इसलिए नहीं कि उसे कबाड़ दे सके, बल्कि इसलिए ताकि उससे कबाड़ के बदले दर्जन दर्जन चाय के कप ले सके। हमारे यहाँ ना टी और स्नैक्स नहीं होते, हमारे यहाँ होते हैं चाय और बिस्कुट, और हमारे यहाँ होते हैं मम्मी और पापा, हमारे यहाँ मॉम और डैड नहीं होते। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हमारे लिए ना हमारे मम्मी पापा को हग करना बहुत बड़ी बात है, और यार मम्मी पापा ना गुरूर है हमारा, और मम्मी पापा का गुरूर है हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। तो टेंथ में ना जब मेरे 10 CGPA आए थे तो घर वालों ने ना पूरे पड़ोस में रसगुल्ले और गुलाब जामुन बांटे थे, तो उस वक्त ना रिश्तेदारों की सांसों में जाने वाली हवा में ये बात फैल गई थी कि ये लड़की हमारा नाम रोशन करेगी। अब देखो, नाम रोशन करना था ठीक है तो साइंस ले ली। फिर ट्वेल्थ में जब 93% आए ना, तब तो घर वाले खुशी से मतलब पागल ही हो गए थे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था मेरा। अब हम लोग ना बेसिकली रोहतक से हैं, यानी हरियाणा से, तो कॉलेज के लिए दिल्ली शिफ्ट होना था मुझको, पर शिफ्ट सिर्फ मुझको होना था, सारे घर वालों को नहीं। तो दिल्ली शिफ्ट होने से पहले ना पापा एक दिन मुझे रोडवेज वाली बस से दिल्ली लेकर गए थे। वैसे कायदे से तो उसे बस नहीं जहाज कहना चाहिए, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बस थी और हरियाणा रोडवेज की बस भैया चलती नहीं है, उड़ती है। खैर, मैं और पापा पहुंचे कश्मीरी गेट। तो दिल्ली बस अड्डे से हमने मेट्रो ली और हम पहुंचे यूनिवर्सिटी कैंपस, और पापा ने ना मुझे पूरा रूट समझाया कि आना जाना कैसे है, पूरा फुल। और पापा ने मुझसे कहा भी कि निधि अच्छे से देख ले, समझ ले कि कैसे आना जाना करना है, क्योंकि आगे चलकर जब तू दिल्ली से घर आएगी, घर से वापस दिल्ली जाएगी, तो घर वाले तेरे आगे पीछे ड्राइवर थोड़ी ना बने रहेंगे कि तुझे बार बार कोई लेने जाए, कोई छोड़ने जाए। और वैसे भी ये सारी चीज़ें तो बेसिक होती हैं, ये तो हर इंसान को आना चाहिए, और कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, सिंपल है, तू एक दो बार में सीख जाएगी। अगर सादे शब्दों में कहूँ तो मेरे पापा ने ना लाइफ के हर मोड़ पर मुझे एक चीज सिखाई है कि बेटा सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, पापा की परी नहीं बनना। उस दिन दिल्ली से वापस आते टाइम वापसी में बस अड्डे पहुंचकर मैं और पापा कुछ खाने के लिए रुके, और पापा ना यूं ही मुझसे कुछ बातें करने लग गए। नाउ लुक, दिस इज नॉट नॉर्मल ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पापा लोग हमसे यूं ही बातें नहीं किया करते।